हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारा कॉलेज ताम्रलिप्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एकेडमिक टूर और उसके साथ टोटल फीस स्ट्रक्चर। G+6 फ्लोर का एक कॉलेज 2022 में स्टार्ट हुए थे, तो ऑलमोस्ट नया कॉलेज ही है। तो ये न्यू कॉलेज का एकेडमिक फैसिलिटी, उसके साथ एडमिशन फी, हॉस्टल फीस, यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस, सेमिस्टर फीस, लाइब्रेरी फीस, कैंटीन फीस, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो इस स्टेट का हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलमोस्ट सेम ही है। सो लास्ट तक देखना, और कैंपस का छोटा करके एक टूर भी है, वो भी देख लेना। एकेडमिक बिल्डिंग का गेट से एंट्री करने के बाद एक बड़ा सा हॉलघर देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग सरस्वती पूजा किए थे। ग्राउंड फ्लोर में मेनली कॉलेज कैंटीन और एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल है। कैंटीन का साइड में एक बॉयज कॉमन रूम और एक गर्ल्स कॉमन रूम है, और बॉयज कॉमन रूम में एक टीटी टेबल भी है, वो बाद में दिखाएंगे। और ये है हमारा कैंटीन, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर सभी मिलता है अफोर्डेबल प्राइस में। मंथली 2-3,000 के बीच में हो जाता है, बट वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस साइड में सबके लिए अलग से नोटबुक रहता है, मंथ का पहले 1,000 रुपये जमा करना पड़ता है और बाकी बाद में। यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ही मिल जाते हैं, और खाने का क्वालिटी मॉडरेट ही है, लेकिन ये 24/7 नहीं खुला रहता है। नेक्स्ट चलते हैं डिसेक्शन हॉल की तरह फॉर्मेलिन का स्मेल लेने के लिए। डिसेक्शन हॉल भी बड़ा है, और अभी तो फर्स्ट ईयर का प्रॉब एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए ऐसा टेबल का अरेंजमेंट है। अब चलो आप लोगों को मिलाते हैं हमारा सबसे बड़ा दोस्त को, जो यहाँ पर ऑल टाइम रहता है। पीछे जो टेबल दिख रहा है वहाँ पर कैडेवा रखा रहता है, और अभी तो सब प्रिजर्वेशन में है कोल्ड स्टोर रूम में। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर मेनली LT1 ऑफिस एरिया, वेटिंग एरिया और लाइब्रेरी है। राइट साइड में जाने से पहले मिलता है LT1, जहाँ पर फर्स्ट ईयर का क्लास होता है। ये सेंट्रल एसी से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 सीट कैपेसिटी है। राइट साइड में और भी आगे चल के मिलेगा ऑफिस एरिया, जहाँ पर एडमिशन का मेन काम होता है। इसका ठीक सामने है प्रिंसिपल ऑफिस, और इस साइड में है बायोमेट्री, जो टीचर्स लोगों के लिए है। और प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक साइड में है डीन सर का ऑफिस, उसका ठीक साइड में है एक कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पर मीटिंग वीटिंग होता है। फर्स्ट फ्लोर का दूसरे साइड में है वेटिंग एरिया और लाइब्रेरी, और आप लोग जब एडमिशन लेने के लिए आओगे तो यहाँ पर ही वेट करना पड़ता है। तो चलो एडमिशन फीस के बारे में बोलते हैं। एडमिशन का टाइम टोटल 6,500 देना पड़ता है, 1,000 रुपये फॉर एडमिशन फीस, 1,000 रुपये फॉर क्वेश्चन मनी, और 4,500 फॉर फर्स्ट सेमिस्टर। उसके साथ हॉस्टल का फीस भी देना पड़ता है, लेकिन वो बाद में बोलेंगे। और यहाँ से बॉयज हॉस्टल का व्यू एक बार देख लो। नेक्स्ट चलते हैं लाइब्रेरी की तरह। वेटिंग एरिया भी सेंट्रल एसी से कनेक्टेड है, और यहाँ पर पार्टीशन भी कर दिया, तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। यहाँ से कॉलेज का मेन गेट भी दिख रहा है, तो लाइब्रेरी की तरह चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर भी और एक रूम है, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर रूम है, लेकिन आज तक जाने का मौका नहीं मिला। तो चलो पहले इस रूम पे चलते हैं। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। 1 और 2 रुपये देके यहाँ पर कार्ड करना पड़ता है, और बुक का स्टॉक भी बहुत अच्छा है, हर सब्जेक्ट में अच्छा खासा बुक मिल जाते हैं। यहाँ से आप बुक इसी करके हॉस्टल में जाके पढ़ सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। इसलिए और एक भी बड़ा रीडिंग एरिया है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ काम चल रहा है, किस लिए नहीं पता, और पार्टीशन भी दे दिया। प्रोग्राम के टाइम हम लोग यहाँ पर ही रिहर्सल करते हैं। अब चलो सेकेंड फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ पर मेनली एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एनाटॉमी म्यूजियम और हिस्टोलॉजी लैब है। एनाटॉमी म्यूजियम में मेनली बहुत सारा मॉडल्स रहता है, और बहुत सारा ऑर्गन और ऑर्गन का पार्ट्स और बॉडी का पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा रहता है, और उसके साथ बहुत बोन सेट भी रहता है, बहुत सारा बोन सेट भी रहता है, आप लोग देख ही सकते हो। इसका ठीक पीछे एक बैठने का प्लेस है, बोर्ड भी है, तो एग्जाम के टाइम हम लोगों को यहाँ पर ही वेट करना पड़ता है। इसका ठीक साइड में हिस्टोलॉजी लैब है, और अभी एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए एक दो माइक्रोस्कोप है, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्कोप रहता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पर 2 LT है, उसके साथ कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट और माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है। LT2 जनरली क्लोज्ड ही रहता है, और यहाँ पर बहुत कम क्लासे हुआ है हम लोगों का मेनली क्लास LT3 में होता है। चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। एकेडमिक बिल्डिंग में टोटल 5 LT है, सब एक जैसा ही दिखता है, और हर एक में 200 करके सीट कैपेसिटी है। MBBS कारिकुलम में टोटल 9 सेमिस्टर है,
और हर एक सेमिस्टर में 4500 करके देना पड़ता है, तो टोटल 40,500। उसके साथ चार प्रोफेशनल एग्जाम भी होता है, मतलब यूनिवर्सिटी का एग्जाम, और उसके लिए अलग से फीस पेमेंट करना पड़ता है, वो आगे जाके बोलेंगे। अभी चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल लैब की तरह, और यहाँ पर अभी माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड ईयर में जितना भी माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल हुआ है उसका हर एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग का सामान भी रखा है, लेकिन आज हम लोग मेनली स्लाइड देख रहे हैं, तो एक किसका स्लाइड है आप लोग गेस करके कमेंट में बोल सकते हो। यहाँ से नया ओपीडी भी दिखता है, और क्लिनिक्स के लिए हम लोगों को वहाँ पर जाना भी पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पर मेनली फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। सॉरी टू ऑल, क्योंकि ये वीडियो मैंने पुराना वीडियो से लिया हूँ, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी जाके मतलब वहाँ पर जाके वीडियो करने का मौका नहीं मिला है। अभी तो फोर्थ फ्लोर में बायोकेमिस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया, पहले तो उसका लैब था सेकेंड फ्लोर में, अभी फोर्थ फ्लोर में आ गया, और ये भी पुराना वीडियो से है, जब जूनियर्स का सेमेस्टर एग्जाम हो रहा था तब का वीडियो है ये। फिफ्थ फ्लोर में मेनली दो एलटी है जो अभी फंक्शनल नहीं है। यहाँ पर मेनली हम लोगों का फार्मा डिपार्टमेंट है, और ये फार्मा डेमो रूम है, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर मेनली प्रैक्टिकल क्लास होते हैं, और ऐसा डेमो रूम हर एक डिपार्टमेंट में एक एक है, और फार्मा प्रैक्टिकल लैब भी है जो इसके बाद दिखाएंगे। अब चलते हैं सिक्स फ्लोर पे, जहाँ पर मेनली एग्जाम हॉल है और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पैथोलॉजी प्रैक्टिकल लैब है। इससे पहले एकेडमिक बिल्डिंग के बीच में एक प्लेस दिखा देते हैं, यहाँ पर गार्डन होगा सुना था, और यहाँ पर एग्जाम हॉल है, अभी कुछ काम चल रहा है लेकिन वो भी दिखाएंगे। अब चलते हैं पैथोलॉजी प्रैक्टिकल लैब के अंदर, लैब भी नया है, सब सामान भी नया है, यहाँ पर भी क्लास होने वाले हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं टीचर्स के लिए। MBBS में टोटल 19 सब्जेक्ट होता है, और हर एक सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 600 रुपये करके देना पड़ता है, सो टोटल होता है 11,400। मतलब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ये तीन सब्जेक्ट है, सो टोटल 1,800 देना पड़ेगा। और ये है हम लोगों का एग्जाम हॉल, जब सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था तब का फुटेज है। अब चलते हैं कॉलेज का टेरिस पे, वहां से कैंपस का व्यू भी थोड़ा दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है कैंपस, ये स्टाफ क्वार्टर है, साइड में बॉयज हॉस्टल, पीछे राखल मेमोरियल, और दूर में रूप नारायण दिख रहा है, और इस साइड में एक गर्ल्स हॉस्टल है नया है, और इस साइड में है न्यू ओपीडी। यहाँ पे हॉस्टल का फीस बहुत कम है, मतलब यहाँ पे मतलब इस स्टेट में 12 रुपीज़ पर मंथ, टोटल 144 रुपीज़ जो हम लोगों को एडमिशन का टाइम देना पड़ता है। तो ये है टोटल फीस स्ट्रक्चर, ये छोड़ के बुक्स और इंस्ट्रूमेंट भी खरीदना पड़ता है। और अभी तो रूम पे जा रहे हूँ, और कंप्लीट हॉस्टल टूर चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलो आज का ब्लॉग का एंड करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।